हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। दिल्ली में चल रहे कांग्रेस के महाधिवेशन में हर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता आ रहे हैं। कल ही कांग्रेस ने महाधिवेशन में चुनाव में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराने का प्रस्ताव अपने महाधिवेशन में पास किया था। आज जब इसका सीधा सवाल मध्य प्रदेश से आने वाले विधायक जीतू पटवारी से किया गया तो उनका कहना साफ था कि अगर ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ है तो उसे हटा देना चाहिए। बोलता हिंदुस्तान से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर दिल्ली के सियासी दाव पेज पर कांग्रेस नेता बीजेपी को उनके राज्य और केंद्र में वादे याद करवाए। पटवारी ने कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि वो 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं दे रहे हैं, लड़कियां आंदोलित होकर अपने केश कटवाने पर मजबूर हो रही है और सरकार कह रही है सब ठीक है। कांग्रेस ने महाधिवेशन में ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव करवाने पर जीतू पटवारी ने कहा कि देश में जगह जगह चुनाव के वक्त जो ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं उसे बदलना चाहिए। ये पूछे जाने पर अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर चुनाव नहीं हुए तो कांग्रेस 2019 के चुनाव का बहिष्कार करेंगी, इसका जवाब देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि हम इस मामले में आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, मगर संविधान के तहत ही कांग्रेस पार्टी काम करती है तो हम संविधान के तहत ही काम करेंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अगर अमेरिका जैसा देश जो टेक्नोलॉजी पर ही चलता है, वहाँ पर जब ईवीएम हटकर बैलेट पेपर पर चुनाव होते हैं तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। बता दें कि ईवीएम का प्रयोग भारत के अलावा फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे कई देशों में होता है, मगर अमेरिका में अब भी चुनाव बैलेट पेपर से ही होता है। मगर सबसे ज़्यादा भरोसा ईवीएम पर भारत ने ही किया, पिछले 10 सालों से भारत ईवीएम से चुनाव करवाता आ रहा है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।